गुड मॉर्निंग यूके जी। आज हमारी हिंदी की क्लास है और आज हम एक नई मात्रा स्टार्ट करने वाले हैं। पिछली मात्रा, क्योंकि हमारे बड़ों की मात्रा खत्म हो चुकी थी, नई मात्रा है हमारी ए की मात्रा है। इसको हम छोटा ए भी बोलते हैं। और मैं एक चीज़ आपको पहले बताऊंगी कि ये मात्रा क्या, कोई भी व्यंजन हम लिखते हैं उसके ऊपर लगाई जाती है। इस मात्रा को हमेशा किसी भी व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। अभी मैं आपको उदाहरण देके इसे समझाऊंगी भी। देखिए, जैसे मैं उदाहरण दे रही हूँ आपको, अब देखिए यहाँ पे मैंने कुछ व्यंजन लिखे हैं, इस पे हम क्या लगाने वाले हैं, छोटे ए की मात्रा। तो ये मात्रा कैसे लगाई जाती है, हमेशा अक्षर के यानी व्यंजन के ऊपर लगाई जाती है, और ऊपर लगाने के बाद किसी भी व्यंजन के साथ इसका भी स्वर शामिल हो जाता है। जैसे हम का पे लगा रहे हैं, का पे छोटे की मात्रा के, खा पर छोटे की मात्रा खे, गा पर छोटे की मात्रा गे, घा पर छोटे की मात्रा घे, चा पर छोटे की मात्रा चे, छा पर लगाएंगे तो छे, जा पर ए की मात्रा लगाएंगे छोटे की मात्रा तो क्या आएगा हमारा, क्या बोलेंगे इसे, जे, झा पर लगाएंगे छोटे की मात्रा झे। अब देखिए किसी भी अक्षर के साथ, किसी भी व्यंजन के साथ अगर छोटे की मात्रा लगा रहे तो उसके साथ में हम इसका स्वर शामिल कर रहे हैं और इसकी आवाज़ भी साथ में आती है। अब इसके कुछ शब्द भी हम यहाँ लिखने वाले हैं। और UKG, ये सारा काम जो भी मैं ब्लैक बोर्ड पर करा रही हूँ या जो भी मैं आपको कॉपी में कराने वाली हूँ, सारा काम नीट एंड क्लीन हिंदी की कॉपी में करेंगे, PDF बना के सेंड करेंगे, क्योंकि इसी के बेस पे आपकी अटेंडेंस लगती है। और पेरेंट्स, हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ तो इस बार भी कर रही हूँ कि जब बच्चे मात्रा पढ़ रहे हैं या मेरी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ आप उनके साथ बैठिए। जब बच्चे काम कर रहे हैं तब भी उनके साथ बैठिए, क्योंकि बोलने से उन्हें पता चलेगा ना, बोल बोल के लिखेंगे वो क्या लिख रहे हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे कि हमने उदाहरण में पढ़ा था कि इसकी मात्रा कैसे लगाई जाती है, कैसे बोला जाता है, इसी तरीके से अब छोटे एक ही मात्रा के कुछ शब्द मैं यहाँ ब्लैक बोर्ड पर लिखने वाली हूँ, उसको हम पढ़ने का अभ्यास करेंगे, कैसे उन्हें पढ़ा जाएगा। अब देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, खा पे छोटे की मात्रा खे और ल, खेल, क्या हुआ, खेल। माँ पे छोटे की मात्रा मे ल, मेल। रा पे छोटे की मात्रा रे ल, रेल। ता पे छोटे की मात्रा ते ल, तेल। जा पे छोटे की मात्रा जे ल, जेल। इस तरीके से किसी भी अक्षर पे छोटे की मात्रा लगाई, उसका स्वर उसमें शामिल हुआ। और इसको कैसे पढ़ा है मैंने अभी आपको बताया, आप भी ऐसे बोल बोल के इसे कॉपी में काम करेंगे। कुछ और शब्द मैं इसके लिखने वाली हूँ। सा पे छोटे की मात्रा सेब, सेब। बा पे छोटे की मात्रा बे और ये क्या है, र, तो क्या पढ़ेंगे हम इसे, बेर। शा पे छोटे की मात्रा शे र, शेर, क्या पढ़ा हमने, शेर। पा पे छोटे की मात्रा पे ड, पेड़। का पे छोटे की मात्रा के, ला पे आ की मात्रा ला, केला, क्या क्या बना शब्द हमारा, केला। अगला शब्द देखिए, बा पे छोटे की मात्रा बे और ला पे आ की मात्रा ला, तो शब्द हमारा क्या बना, बेला। इस तरीके से छोटे की मात्रा को लगाने का अभ्यास करेंगे, उसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। आगे इसका कुछ और काम हम कॉपी में करने वाले हैं, वो अभी आपको दूंगी मैं।
अब इसके कुछ और शब्द हैं छोटे ए की मात्रा के, इसको भी हम रीड करते हैं, ध्यान से देखिएगा आप। माँ पे छोटे की मात्रा मे, रा पे आ की मात्रा र, मेरा। ता पे छोटे की मात्रा ते, रा पे आ की मात्रा र, तेरा। सा पे छोटे की सा, वा पे छोटे की मात्रा वे, रा पे आ की मात्रा र, सवेरा। स पा पे छोटे की मात्रा पे, रा पे आ की मात्रा र, सपेरा। ठ ठा पे छोटे की मात्रा ठे और रा पे आ की मात्रा ठटेरा। बा पे छोटे की मात्रा लगी है क्या होगा, बे स न, बेसन। बा पे फिर से छोटे की मात्रा लगी है तो क्या होगा, बे ल न, बेलन। सा पे छोटे की मात्रा से व न, सेवन। तो ये क्या थे हमारे छोटे की मात्रा के शब्द हैं, नीट एंड क्लीन कॉपी में कीजिएगा, बोल बोल के कीजिएगा, अच्छी मात्रा है, पढ़ने में भी आसानी समझ में आएगी। बाय बेटा, हैव फन।